नमस्कार। सबसे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की खबर। 3 दिन बाद आया है दिल्ली पुलिस का अनूठा जवाब। वो कहते हैं, मैं इस्तीफा क्यों दूं? वो पूछते हैं, मेरा इस्तीफा देने से क्या रेप रुक जाएगा? यही नहीं, उन्होंने मीडिया से सवाल कर दिया है कि आपकी गलती पर आपके संपादक देंगे इस्तीफा। मेरा काउंटर सवाल ये है कि अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? इफ माई रिजाइनिंग विल प्रिवेंट सच डिप्रेव्ड एक्शंस ऑफ द सोसाइटी, देन आई एम प्रिपेयर टू रिजाइन 1,000 times। तो पुलिस कमिश्नर से एनडीटीवी इंडिया के 5 सवाल है। सिर्फ कुछ अफसरों को सस्पेंड करने से क्या होगा? एसीपी अहलावत को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? रेप छुपाने वाले पुलिस वाले क्या अब तक बाहर क्यों हैं? क्या पुलिस वाले कानून से ऊपर हैं? और सीपी किस गलती की जिम्मेदारी लेंगे? वैसे भी लोगों के निशाने पर हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के बाहर एएपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा दिखा। बीजेपी ने भी पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। संदीप दीक्षित भी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बोले और केजरीवाल ने याद दिलाया कि संदीप दीक्षित की पार्टी ने ही सीपी को बनाया। और आनंद चक्रवर्ती हमारे सीनियर मैनेजिंग एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, क्या आप ये जो लॉजिक दे रहे हैं नीरज कुमार, उसको पचा पा रहे हैं? और ये एग्जांपल क्या दिखाता है, क्या समझ है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की? सिक्ता, एक्चुअली उनको अगर कोई भी एग्जांपल लेना होता, कोई उदाहरण लेना होता, शायद किसी और प्रोफेशन से लेना चाहिए था। जी हाँ, हमारे यहाँ पे कोई भी गलती करे तो जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ती है। एज मैनेजिंग एडिटर, एज हेड ऑफ द चैनल, मुझे ही लेनी पड़ती है। सिर्फ नेटवर्क के अंदर नहीं, अगर कोई केस भी फाइल करता है एनडीटीवी इंडिया के खिलाफ, तो मैनेजिंग एडिटर को ही पहुंचना पड़ता है कोर्ट में। मैनेजिंग एडिटर ही जवाब दे होते हैं। तो नीरज कुमार जी ने जो क्वेश्चन मीडिया से पूछा है, क्या रिपोर्टर की गलती के लिए एडिटर दायित्व लेंगे? जी हाँ, एडिटर को ही लेना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा उन्होंने गलत ले लिया। दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि गलती के लिए इस्तीफा, क्या गलती के लिए इस्तीफा देना चाहिए किसी और की गलती के लिए, यही वो कहना चाहते हैं। मेरा कहना है ये कोई गलती नहीं है। जब एसीपी अहलावत ने एक लड़की को थप्पड़ मारा है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बार बार मार रहे हैं थप्पड़ एसीपी अहलावत, ये गलती नहीं होती है, ये एक अपराध है। और अगर कोई और ऐसी अपराध करता तो पुलिस उनको अरेस्ट करती, उनके अगेंस्ट FIR होता, उनको चार्जशीट किया जाता। यही हमारे सवाल है, ये जो हम सवाल कर रहे हैं एनडीटीवी इंडिया की तरफ से, यही सवाल कर रहे हैं कि एसीपी अहलावत गिरफ्तार क्यों नहीं है, उनके अगेंस्ट FIR क्यों नहीं है? सिर्फ सस्पेंड करने से क्या होगा? यही है सवाल। हम एज ए चैनल, हम नहीं बोल रहे कि नीरज कुमार जी इस्तीफा दे, ये एक पॉपुलिज्म होता है। नीरज कुमार जी इस्तीफा दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बात यह है, नीरज कुमार जी एक्शन लीजिए, सीरियस एक्शन लीजिए। जिन पुलिस वालों ने पीड़ित छोटी बच्ची के माँ बाप को बोला कि आप दूसरी बड़ी फोटो लेके आइए, छोटी फोटो से हम कुछ नहीं कर सकते, अगले दिन बोला 2,000 रुपए रखिए, रफा दफा कीजिए, बदनामी हो जाएगी, मीडिया को मत बोलिए, ये जुर्म है, हम इसको अपराध मानते हैं। नीरज कुमार जी को भी ये अपराध मानना चाहिए। बाकी चैनल क्या कर रहे हैं उससे मैं कुछ लेना देना नहीं चाहता, लेकिन मैं सारे चैनल के तरफ से इतना तो कह सकता हूं कि संपादक जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। किसी भी गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी संपादक को लेना पड़ता है। इनफैक्ट हमारा जो NBSA है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उनका भी डायरेक्टिव बिल्कुल सीधा है कि कोई अगर रिपोर्टर गलती करे, डेस्क पे गलती हो, कहीं पे गलती हो, उसकी जिम्मेदारी संपादक को लेनी पड़ेगी। यही बात नीरज कुमार जी को समझना चाहिए। ये एक और सवाल हमारा है कि कौन सी गलती का जिम्मेदारी नीरज कुमार जी लेंगे? सकता जी, एक छोटा सा सवाल आने जाने से पहले, आप ये चिढ़ क्यों है, इस तरह का एटीट्यूड क्यों है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का इस वक्त, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, इसमें शायद हम लोगों की कहीं पे गलती है कि मीडिया भी थोड़ा इसको बहुत आसान तरीके से रिड्यूस कर देती है। जैसे अगर
पुलिस की प्रॉब्लम है, पुलिस ने एक अपराध, जैसे जैसे हम अपराध कह रहे हैं, नीरज कुमार जी गलती कह रहे हैं, करती है, तो हम उसको सीधा ला देते हैं कि नीरज कुमार जी इस्तीफा दीजिए, नीरज कुमार इस्तीफा देंगे, सीपी इस्तीफा देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं, मैं भी मानता हूं, लेकिन यही शायद इनको चिढ़ है कि हमने, मीडिया ने या प्रोटेस्टर्स सबने इसको एक बहुत ही आसान तरीके पे रिड्यूस कर दिया कि नीरज कुमार जी इस्तीफा दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम भी इस बात को मानते हैं कि नीरज कुमार जी को कुछ एक्शन लेके दिखाना पड़ेगा, एक्शन लेके दिखाना पड़ेगा, फिर लोग मानेंगे कि ये सीपी काम कर रहे हैं। ऐसे अगर आप सिर्फ सस्पेंड कर देंगे और वो भी मीडिया और आम आदमी पार्टी के प्रेशर के अंडर जो उन्होंने किया है, उसके चलते जो नीरज कुमार जी ने किया, सस्पेंड किया, वो काफी नहीं है। मैं यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, ये जो हमारे दर्शक हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, मैं एडिटर के तौर पे कह रहा हूँ कि हमारे खिलाफ काफी सारे ट्वीट आते हैं, मैं ट्विटर पे उतना नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है, बताया गया है कि एनडीटीवी इंडिया के खिलाफ ट्वीट आए हैं कि हमने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला है, कहीं पे सीपी के खिलाफ बोला है। अभी मेरे पास भी कुछ मैसेज आए हैं कि आप लोग सिर्फ 2000 लोगों को प्रोटेस्ट को दिखा रहे हैं और कुछ है नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम न्यूज को पॉपुलिज्म पे न उतारे, सिर्फ बोले कि सीपी रिजाइन कर दे इसी से काम हो जाएगा, ये नहीं होगा। हमारा काम है सीरियसली न्यूज को दिखाना, इसलिए हम भी बोल रहे हैं, सीरियस जर्नलिज्म के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि सीपी आप करेंगे क्या, हम रिजिग्नेशन नहीं मांग रहे, सीपी आप करेंगे क्या, यही हम पूछ रहे हैं। कुछ करते दिखाई देना चाहिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। शुक्रिया अनन्य इस पूरी चर्चा के लिए। और अब हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, एनडीटीवी लगातार सवाल पूछ रहा है दिल्ली पुलिस से, और वाजिब ये सवाल भी है, दिल्ली पुलिस इस वक्त कुछ करती नहीं दिखाई दे रही, कुछ करती दिखाई देगी तब आश्वस्त होंगे लोग, और तब इस तरह के जो अनन्य कह रहे थे पॉपुलिस जो डिमांड है कि इस्तीफा दे दो तो शायद मामला हल हो जाए, उस तरह के मांगों पर, उस तरह की डिमांड्स पर रोक लगेगा फिर। देखिए बिल्कुल, हम सभी को यही उम्मीद थी कि जब पुलिस कमिश्नर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई खास बात लेकर आएंगे, जो पूरा एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर, जिन लोगों ने लापरवाही की है उसको लेकर कुछ खास बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप इस्तीफा देंगे या आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन्होंने उल्टे पत्रकारों पर सवाल दाग दिए। तो ये तमाम बातें हैं जो कि एक पुलिस कमिश्नर के तौर पर जो अधिकारी है उसको कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अगर उसके विभाग के लोग लगातार गलतियां कर रहे हैं, केवल यही मामला नहीं है कि जो गांधीनगर में रेप केस हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे रेप केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें पुलिस की लापरवाही सामने आती रहती है, और बहुत सारे ऐसे रेप केसेस हैं जो जिनको मीडिया कवर नहीं करता, या फिर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पुलिस लापरवाही करती है, तो सिस्टम में या पुलिसिंग में कहीं ना कहीं गलती है जिसको पुलिस कमिश्नर मानने को तैयार नहीं है। और उनका ये कहना है कि जो लोग इसमें दोषी थे इस केस में उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो इससे केवल इस बात के कहने से जो जिम्मेदारी है वो कम नहीं होती। पुलिस कमिश्नर को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी और गंभीरता से ये सोचना होगा कि आखिर दिल्ली में इतने रेप क्यों हो रहे हैं, कि जो लोग रेपिस्ट हैं, जो रेप करते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनमें आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। और जिस तरह की जो गाइडलाइंस बनी थी 16 दिसंबर को जो घटना हुई थी, उसके बाद तमाम जो गाइडलाइंस थी, चाहे वो एमएचए ने गाइडलाइंस बनाई हो या जो जस्टिस बिमला मेहरा की जो रिपोर्ट थी उसकी गाइडलाइंस थी, तो आखिर उनको पुलिस फॉलो क्यों नहीं कर रही। उसके बाद वो केवल एक महीने के लिए उन गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, उसके बाद ना तो पेट्रोलिंग होती है, ना सड़कों पर पुलिस दिखाई दे रही है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पुलिस है वो गंभीर नहीं है ऐसे मुद्दों को लेकर, और अगर गंभीर होगी तभी शायद इस तरह के अपराध रुक पाएंगे। हालांकि सोशल एक मसला अलग है कि जो जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने आंकड़े दिए कि जो रेप होते हैं इनमें लड़की के जानकारी लोग होते हैं, उनके पिता शामिल होते हैं, उनके दोस्त शामिल होते हैं, उनके पड़ोसी शामिल होते हैं, लेकिन सोशल अगर फैक्टर को देखें उसको छोड़कर कहीं ना कहीं एक फैक्टर है पुलिसिंग का, वो बहुत कमजोर है, उसको भी मजबूत करने की जरूरत है, तभी शायद ये बलात्कार की घटनाएं रुक पाएंगी।